हेलो एवरीवन, आज आप लोगों का क्लास 8 का यूनिट 1 का लेसन 2 जो है सेक्शन 2 बैटलिंग बोट्स पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। इस लेसन में आप लोग को हम बता दें, मुक्ता मुंजल के द्वारा लिखा हुआ है, ये राइटर हैं वो इस लेसन की। और सबसे पहले आप लोग जानते हो, बचपन में भी पढ़े हो कि साउथ इंडिया में ओणम पोंगल ये सारे जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम से, जैसे हमारे यहाँ होली होती है। तो इस पूरे लेसन में ओणम का जिक्र किया गया है। ओणम फेस्टिवल कहाँ का है? केरला का। केरला में लोग ओणम का फेस्टिवल मनाते हैं और वो 2-3 दिन तक चलता रहता है। काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होकर के इसमें पार्टिसिपेट्स भी करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि उस ओणम के फेस्टिवल पर इनका एक बोट रेस होता है, जो वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब कि इवेंट माना जाता है। लोग खाने पीने एंजॉय करने के बाद सारे लोग इकट्ठा होते हैं नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, और बोट्स को बहुत अच्छे से सजाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट्स करते हैं। जिनका बोट जीतता है, विनिंग होता है, उनको प्राइज़ भी मिलता है। और बोट एक नहीं बल्कि काफ़ी लोग 30 से 40 लोग मिलकर बोट को रैटल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बता रहे हैं आप लोगों की बोट रेसेस। पॉज करिए, बोले बोट रेसेस आर अ पॉपुलर इवेंट इन केरला। जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताएं, पॉपुलर इवेंट है केरला का, स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ ओनम। ओनम एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इसी दौरान इसे सेलिब्रेट करते हैं लोग। इन दिस स्टोरी बाई मुक्ता मुंजल कुट्टन ए यंग बॉय। इस स्टोरी में एक यंग बॉय है, छोटा लड़का है 10-12 साल के एज का, जिसका नाम है कुट्टन। इज ईगर टू पार्टिसिपेट इन द रेस बट ही डिस्कवर्स ए डार्क सीक्रेट द नाइट बिफोर द रेस। छोटा सा है लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस बोट रेस को में भाग लेने का, देखने का, कि वो एक दिन पहले ही से अपने दोस्तों के बीच जाकर ये सारी बातों को बताता है और उसमें हिस्सा लेगा। इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन होता क्या है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में भाग लेने का तो वो ले लेता है, लेने के एक रात पहले ही उसे एक डार्क सीक्रेट के बारे में पता चलता है। और वो जो डार्क सीक्रेट है हम लोग लेसन के एंड में बताएंगे आपको, अभी नहीं बताएंगे। तो पढ़ते हैं हम लोग, रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट द बॉय डज एंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द रेस। तो इस डार्क सीक्रेट को किस तरह से ये बच्चे जो थे सर्च आउट करते हैं और फिर उसके लिए क्या करते हैं, जब जब इनका जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं, ये एक सीक्रेट के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बताएं, इसमें दो यंग बॉय हैं। एक का नाम है कुट्टन, जो कि आपके लेसन का लीड बॉय है, और उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है सुकुमारन। ये दोनों ही थोड़ा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों छोटे मोटे कार्य भी करते हैं अपने घर को चलाने के लिए। ठीक है, कुछ लोग मछली किनारे पर जाकर बेचते हैं, कुछ लोग नारियल पानी बेचते हैं। तो ये दोनों ही अपने काम को दिन भर समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जाकर बेचने का काम करते हैं। तो दैट इज़ द लास्ट फिश सोल्ड, कम ऑन, लास्ट मछली है मेरे पास बेचने के लिए, कम ऑन सुकुमारन, लेट्स गो, सेड कुट्टन। कुट्टन कहता है कि सुकुमारन, मेरी मछली जो लास्ट वाली थी वो तो बिक गई, ठीक है, अब तुम भी फटाफट जल्दी से अपना सामान अरेंज करो और हमें चलना चाहिए। पिकिंग अप हिज हाफ एम्प्टी बास्केट, उसके पास एक खाली टोकरी है जिसको कि वो उठा करके लेकर जाने लगता है। बट देयर आर अ डोजन कोकोनट्स लेफ्ट, प्रोटेस्टेड सुकुमारन। सुकुमारन क्या बेचता है? नारियल पानी बेचता है। उसका बहुत सारा नारियल पानी अभी भी बास्केट में है, यानी कि उसके पूरी तरह से बेचा नहीं गया है। I don't care, replied Kutan. Kutan कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम्हारा पूरी तरह से सेल हुआ है या नहीं कोकोनट, बट मेरा तो फिश जो था वो सारा का सारा बिक गया। Today I won't sit here, still the last coconut is sold. रोज की तरह मैं आज तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि हर रोज क्या होता है कि जब तक सुकुमारन का और कुटन का लास्ट फिश और कोकोनट नहीं ख़त्म हो जाता है, तब तक वो लोग वहाँ से लौटता नहीं है अपने घर। लेकिन आज क्या बात है कि कुट्टन काफ़ी ज़्यादा ईगर है, एक्साइटेड है, कि सुकुमारन को कहता है कि तुम्हारा भले ही पूरी नारियल बिके या ना बिके, हमें चलना है आज। आई एम टू एक्साइटेड, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ।
सुकुमारन लुक आउट एट हिज फ्रेंड अ लिटिल एनवियसली। सुकुमारन को एनवियसली का मतलब होता है किसी को थोड़ा जलन पूर्वक देखना। है तो दोनों फ्रेंड, लेकिन सुकुमारन देखता है कि कुट्टन जो है इसका पूरा मछली भी बिक गया और ये घर जाने के लिए मुझे परेशान भी कर रहा है, तो इस बात से वो थोड़ा सा उसको जलन होती है। हाउ लकी यू आर टू बी रॉन्ग इन द बोट रेस टुमारो। कितने लकी हो तुम कि कल तुम बोट रेस में हिस्सा लेने जा रहे हो। ठीक है, इमेजिन, एक कल्पना करो, यू विल बी फेमस। अगर तुम्हारा बोट जीत जाता है तो कल को तो तुम पूरे इलाके में फेमस हो जाओगे। यू आर द यंगेस्ट विनर, मतलब एक इमेजिनेशन है इसका अपने फ्रेंड के लिए। अगर कल तुम जीत जाते हो तो तुम यहाँ के यंगेस्ट विनर कहलाओगे। थोड़ा सा एनवियस भी है लेकिन अच्छा भी सोचता है। कुटन वॉज ऑलरेडी स्टेपिंग इन टू हिज डग आउट केनो विच वॉज स्ट्रंग टूगेदर विथ कोर रोप्स। अब कुटन जो है ना, इसके पास एक ट्री ट्रंक होता है। यहाँ पर डग आउट केनो का मतलब दिया है कि एक स्मॉल नैरो बोट होता है मेड बाई कटिंग आउट द इनसाइड ऑफ अ ट्री ट्रंक। जैसे पेड़ का जो तना होता है उसको ही मतलब काट करके और एक बोट बनाया जाता है। कुट्टन के पास वही बोट है और वो उस पर पैर रखकर अपना जाने का तैयारी करता है। और उसको वो लोग उस बोट को क्या करते हैं ना, साइड में बहुत मोटे रस्से से बांध कर रखते हैं, नहीं तो नहीं बांधेंगे तो वो पानी में चला जाएगा वापस। द टू बॉयज पैडल्ड अवे फ्रॉम द मार्केट प्लेस। और वहाँ से फिर वो लोग पैडल्ड अवे मतलब उसको नाव का जो रोविंग करते हुए मार्केट प्लेस से जाने लगते हैं। वेयर द फिशर वुमेन इन गेली कलर्ड साड़ीज बैलेंस फिश बास्केट ऑन देयर हेड्स एज दे शाउटेड आउट द प्राइजेस ऑफ ड्राइड एंड फ्रेश वाटर फिश। और जब वो लोग किनारे पर से होते हुए अपने नाव को लेकर जाते हैं तो मार्केट प्लेस में बहुत सारी औरतें हैं जो मछली बेचने का काम करती हैं। इनका जो यहाँ पे एक थोड़ा सा अपियरेंस है उसको यहाँ डिस्क्राइब किया है कि वो जो औरतें होती हैं, फिशर वुमेन जो होती हैं, औरत जो होती हैं, वो गेली कलर्ड साड़ीज पहनती हैं। ठीक है, चमकदार टाइप का साड़ी पहनती हैं और बास्केट को सर पे रख के उसमें फिश जो होते हैं वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश जो होती हैं, या तो सूखी मछली या जो भी बेचती हैं, और चिल्ला चिल्ला के उसका आवाज़ भी लगाती हैं, प्राइजेस भी बताती हैं। एंड कोकोनट्स एंड सी फिशेस, और उसके अलावा ये लोग कोकोनट भी बेचती हैं और सी फिश मतलब समुद्री मछली। बेयर फुट चिल्ड्रेन वेयर फ्रॉलिकिंग ऑन स्विंग्स टाइड बिटवीन टॉल स्वेइंग पॉन्ड्स। और जो कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके, वो लोग क्या करते हैं, क्या होता है कि समुंदर या नदी के किनारे बहुत सारे उधर ये पेड़ कोकोनट्स के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, तो बच्चे जो नंगे पाँव इधर उधर खेलते रहते हैं और उनका एक ही काम होता है, दिन भर दो पेड़ होते हैं उनके बीच में एक रस्सी डाल देते हैं, जाल जैसा होता है जिसको वो लोग झूला बनाकर दिन भर झूलते रहते हैं। द ब्लैक बैक वाटर्स आर सो क्राउडेड टूडे एक्सक्लेम्ड सुकुमारन। सुकुमारन कहता है कि आज बड़ी ही भीड़ भाड़ है। एवरीवन्स कम फॉर द रेसेस, लगता है ये सारे लोग बोट रेस में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, इसलिए आज मार्केट एरिया में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अब पेज नंबर 18 में आओगे, देन द क्राउड्स बिगेन टू थिन आउट। और इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होते जाता है भीड़ जो है हल्का होने लगता है, कम होने लगता है। विच बोट डू यू थिंक विल विन टूमारो, शाउटेड सुकुमारन। बोले यस, देन द क्राउड्स बिगेन टू थिन आउट। धीरे धीरे क्राउड्स जो है वो अब कम पड़ने लगता है। विच बोट डू यू थिंक विल विन टूमारो, शाउटेड सुकुमारन। सुकुमारन बोट्स इतने सारे देख कर बोलता है क्या कुटन से, अच्छा तुम बताओ कि इसमें से कौन सा बोट है जो कल के दिन विनर होगा। टर्निंग हिज हेड बैक टू वेयर कुटन सैट इन द रियर ऑफ द बोट क्रीचल वन और क्रीचल टू। यहाँ दो बोट हैं जिनका नाम है क्रीचल वन और एक है क्रीचल टू, यानी कि कल दोनों को सजाया जा रहा है बोट में भाग रेस में भाग लेने के लिए। तो ये दोनों पहले जा करके इस दोनों बोट को निहारते हैं बड़ी खुशी से और आपस में एक बेट लगाते हैं कि तुम ही बताओ कि दोनों में से कौन सा बोट जो है विनर बनने वाला है। क्रीचल वन विल विन द ट्रॉफी, कुट्टन रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली। कुट्टन जो है बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, मेरे ख्याल से तो क्रीचल वन ही जीतेगा कल के ये मैं रेस में और ट्रॉफी भी हासिल करेगा। इज इट ट्रू कुट्टन, द होल विलेज इज सेइंग दैट करूर नीलकंठ पिलाय इज गोइंग टू सेल वन ऑफ इज टू बोट्स। सुकुमारन आस सुकुमारन पूछता है कि अच्छा सारे गांव के लोग बातें कर रहे हैं कि कल विनर होने के बाद
कोई एक बोट विनर होगा और एक हार जाएगा। तो जो बोट हार जाएगा उसको कल जो उसका मालिक है उस बोट का बेच देगा। तो तुमको क्या लगता है कि ये बात सही है या गलत है? और उस बोट का जो मालिक है उसका नाम है करूर नीलकंठ पिलाय, ठीक है? यानी कि जो बोट कल हारने वाला है वो कल बिक्री हो जाएगी। यस इट इज़ ट्रू कुट्टन साइड। कुट्टन जो है थोड़ा सा खींचते हुए बोलता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ही कैन नॉट एफोर्ड टू कीप बोथ द क्रीचर एनी मोर, क्योंकि उसका जो मालिक है इन दोनों बोट का खर्च नहीं उठा पा रहा है, इसलिए एक को वो बेच डालेगा। सो ही सेड दैट विच एवर वन लॉसेस इन द रेस टूमारो विल बी सोल्ड। इसलिए वो कहा है कि जो भी बोट कल के दिन हारेगा उसको वो बेच देगा और जो जीतेगा उसका वो मालिक बनेगा। बट योर फादर इज़ अ वंडरफुल कैप्टन ऑफ क्रीचल वन, प्रोटेस्टेड सुकुमारन। सुकुमारन थोड़ा प्रोटेस्ट करते हुए, मतलब सपोर्ट करते हुए बोलता है क्या कि तुम्हारे जो फादर हैं वो तो क्रीचल वन के कैप्टन हैं। क्विट एजिटेटेड और थोड़ा सा खींचते हुए वो बोलता है कि मतलब इन दो बोट्स में एक बोट के जो कैप्टन है यानी कि जो रोविंग करता है जो फर्स्ट में लीडर होता है वो कुट्टन के फादर ही है। तो बाय द वे अगर क्रीचल वन हार जाएगा तो कुट्टन के जो फादर है वो भी जॉबलेस हो जाएंगे, ये भी तो अनुमान लगा रहा था सुकुमारन। ये बात वो कुट्टन को समझाता है। यस बट सो इज केसावन्स फादर हु इज़ द कैप्टन ऑफ क्रीचल टू, कुट्टन रिप्लाइड। कुट्टन बोलता है हाँ लेकिन एक केसावन नाम का लड़का है जो इनका राइवल है, ठीक है, उसके जो फादर हैं वो क्रीचल टू के कैप्टन हैं। यानी एक जो क्रीचल वन है उसके कैप्टन कुटन के फादर हैं और क्रीचल टू उसके जो बोट का जो रोविंग रोवर है जो उसका मेन लीडर है उसके किसके फादर है? वो केसावन के फादर है और केसावन इन दोनों का राइवल बॉय है। दे टर्न इन टू अ साइड कैनल वेयर देयर वॉज नो ट्रैफिक ऑन द वाटर सेट ऑन। अब सुन लो, हमारे यहाँ जैसे रोडवेज में जाम होता है उसी तरह वहाँ पर वाटरवेज में भी जाम काफ़ी होता है। तो ये लोग अपने बोट को जिधर से एकदम बिल्कुल जाम नहीं है, खाली रास्ता है, उधर से घुमाते हुए ले जाते हैं। द बैंक्स वेयर ए राइट ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। बैंक मतलब जो समुद्र का या नदी का जो तट होता है, किनारे किनारे कलरफुल फ्लावर्स से सजे हुए हैं। द बॉयज टर्न इन टू अनदर कैनल एंड द सीनरी चेंज। और जैसे ही बच्चे जो है दूसरे कैनल को मतलब दूसरा रास्ता मतलब पकड़ते हैं अपने घर जाने के लिए, वहाँ का सीन ही कुछ अजीब सा होता है, कुछ अलग। द क्लाउड्स बिगेन टू चेंज फ्रॉम वाइट टू सैफरन, मतलब कि शाम होने वाली है और बादल जो है कलर अपना चेंज कर रहा है, वाइट से वो केसरिया कलर होते जा रहा है। देन अ फेरी रेड देन पिंक, उसके बाद थोड़ा सा रेड होता है फिर पिंक होता है। स्लोली इट बिकेम शेडोवी ऑन द कैनल, और धीरे धीरे कैनल जो है अंधेरा होते चला जाता है। शेडोई मतलब थोड़ा छाया जैसा, अंधेरा, डार्क। सुकुमारन लुक अराउंड एप्रीहेंसिवली। सुकुमारन चारों तरफ, एप्रीहेंसिवली का मतलब आपको यहाँ वरीडली दिया है, मतलब थोड़ा सा चिंतापूर्वक देखता है क्योंकि वो सन्नाटा जगह है। आई हैव नॉट बीन हियर बिफोर, और सुकुमारन क्या कहता है कि मैं इस रास्ते से कभी नहीं आया हूँ पहले। वी वॉन्ट गेट लॉस विल वी, कहीं हम लोग यहाँ गुम ना हो जाएं, खो जाएंगे। आई थिंक इट्स टाइम वी गॉट बैक, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। डोंट वरी आई नो दिस कैनल वेरी वेल, रिप्लाइड कुटन। लेकिन कुटन कहता है कि तुम घबराओ नहीं, इस रास्ते को मैं जानता हूँ। द डग आउट टर्नर अ कॉर्नर एंड सुकुमारन गेव अ गास्प ऑफ एव। रुक जाए क्या? तो इस तरह से जो न्यू एक कैनल से इन लोग थ्रू, कैनल के थ्रू जो ये दोनों दोस्त जाते हैं वो थोड़ा सा डार्क है और थोड़ा सा अननोन भी है। सुकुमारन को यहाँ पे डर लगता है लेकिन कुटन जो है समझाता है कि उसे ये रास्ता दिखा हुआ है और ये बिल्कुल सेफ है, इसलिए उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आप लोगों को आगे का जो पेज है 18-19 कल आपको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग इतना, एक और चीज़ आप बता देते हैं, आप लोग लेसन को बहुत केयरफुली पढ़ोगे क्योंकि एक एक वर्ड का जो आंसर है आपको लेसन के ही अंदर मिलेगा, ठीक है, लॉन्ग आंसर्स में नहीं मिलने वाला है। इसलिए इसको जब तक आप लोग पढ़ो, और आगे वीडियो में आपको कंप्लीट स्टोरी जानने को भी मिलेगा और स्टोरी जानने के साथ साथ आपको डार्क सीक्रेट का भी पता चलेगा। इसको आप लोग अपने फेयर की कॉपी में फेयर कर लेना, वैसे आपके बुक में भी है लेकिन फिर भी आप इसको फेयर जरूर करोगे ताकि आपको समझने में मीनिंग को ईजी होगा। सो दैट्स इट।